उत्तराखंड के चंपावत में नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया, जहां दो नेपाली तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। इन तस्करों के पास से 2 लाख कीमत के नशे के इंजेक्शन और 50,000 रुपए की स्मैक बरामद की गई। चंपावत के बनवसा क्षेत्र में पुलिस ने मलेरिया नाले के पास 600 नशे के इंजेक्शन व स्मैक के साथ बाइक सवार 2 नेपाली नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। नशीले इंजेक्शन की कीमत 2 लाख रुपए तथा स्मैक की कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। एसपी अजय प्रजापति ने बताया कि पुलिस द्वारा नेपाल निवासी राहुल सुनाम व सूर्य विक्रम शाह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने नशे के इंजेक्शन को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से नेपाली मूल के मूसा से खरीद कर लाने की बात कबूली। दो व्यक्ति जिनका नाम है राहुल सुनाम और सूर्य विक्रम शाह, दोनों कंचनपुर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके पास से 300 बुप्रेनॉर्फिन और 300 फेनार्गन के इंजेक्शंस, टोटल 600 इंजेक्शंस और 5.7 ग्राम स्मैक, कुछ कैश और फोन ये बरामद हुए हैं। इसमें 8/21 NDPS में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। प्राइमरी इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया कि ये पीलीभीत से ये जो नशीली चीज़ें हैं ये इसका नेपाल की तरफ लेके जा रहे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।